आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आवर क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला है हमारा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली बात है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ओनली सिंगल बॉन्ड के लिए, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते, सिंगल बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट पे। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। तो बोल रहा है ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो वीकर है देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा किस ओवरलैपिंग से बनता है, हेड टू हेड, हेड टू हेड, जिसमें क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है। और इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कुछ इस टाइप से दो साइड हो जाता है। और इसमें क्या है, जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज होती है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गया तो उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह है तो इसके तोड़ने के लिए मोर एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी। तो ये स्ट्रॉन्गर हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा आंसर तो यही जाएगा ऑप्शन टू। सेकंड थर्ड ऑप्शन अपन पढ़ लेते हैं कि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक पॉइंट है क्योंकि उसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं ना। हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स, ये दोनों अपने वीक फोर्स की, वीक बॉन्ड वीक फोर्स रिक्वायर्ड होता है इनको तोड़ने के लिए। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमें गलत बताना था, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड आ गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।